अब देखे ना गुलजार चाणी अपनी किताब में कहते हैं कि शादी के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है खड़ा होना जरूरी है <laughs> हो, इस बात का मतलब तो अपने पैरों पे खड़ा हो ना जो तुम समझ रही हो वो भी ठीक है नहीं मैं कुछ नहीं समझ रही ले... लेकिन मैं जो वो बहुत सारी बातें हो चुकी है उनको लेकर बड़ा अब देखे ना गुलजार जाने अपनी किताब में कहते हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे दूध पीने के लिए नखरे करते थे अब हम बड़े हो गए दूध देखने के लिए नखरे उठा रहे हैं <laughs> आ, ना बैलेंस भी दे रहे हैं आईफोन भी दे रहे हैं नखरे ही उठा रहे हैं <laughs> लेकिन मोबाइल देकर आईफोन वगैरह देकर आपके साथ कोई गर्लफ्रेंड कभी घूमने गई कभी डेट वेट मारी नहीं, नहीं कोई डेट नहीं मारी ना मारी आगे मजीद अब देखे ना गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि एक मेरे दोस्त ने, उन्होंने कहा जाए अमेरिका से आ रही है, मेरा जाए। आ। <laughs> लेकिन वाकई अमेरिका से अगर आ रही है तो बहुत कुछ लेकर आएगी भाई बहुत सारा बहुत बहुत पैसे लेकर आ जाएगी <laughs> आगे मजीद गुलजार चांदियों की किताब में क्या अब देखे ना गुलजार अपनी किताब में कहते हैं कि शोहर क्या है असल शोहर की पहचान क्या है शोहर के आगे महबूब आ जाए तो खड़ा हो जाता है बीवी आ जाए तो खड़ा हुआ भी बैठ जाता है <laughs> ये कौन सी <जिल्ल। laughs> मुझे नहीं समझ में आया ये क्या लॉजिक है भाई वो बेगम से डरता है ना तो वो डर के बैठ जाता है <laughs> Yeah. आगे मजीद गुलजार चाण्डी क्या कहते हैं अब देखे ना गुलजार चाण्डी अपनी किताब में कहते हैं कि पठान से हमेशा गेप दे के बैठो वरना वो टांगों में गेप कर देगा <laughs> ये, ये इसके इसका क्या मतलब है इसका यही मतलब है बस गैप सही है पठान हर दिमाग होते हैं ना नहीं पठान लोग बहुत अच्छे होते हैं हमारे व्यूवर्स में भी पठान हो सकते हैं जितने भी लोग हैं सब बड़े हमारे लिए रिस्पेक्ट के काबिल हैं आगे मजीद सुनते हैं गुलजार चांडियों की किताब के नेक्स्ट पन्ने पे क्या है अब देखे ना गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं की अगर आपका शैतान कुछ ना बिगाड़ सके ना तो आपका इश्क पठान से करवा देता है वाकई शैतान ने अगर आपसे दुश्मनी निकालनी है तो <laughs> मेहनूर कभी तुमने पठान सच किया ना बाबा ना मैं कभी पठानों के इलाके में ही नहीं गई इलाके में वो आपके इलाके में आए नहीं ऐसा हाँ आए तो होंगे लेकिन कभी ऐसा ऐसे इतफाक नहीं हुआ और वो इलाके में आके कहा उन्होंने कि इलाका बहुत प्यारा है इलाका बहुत प्यारा है बो... बोलते तो बड़ा अच्छा है पठान लोग लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ अब देखना गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि बुढ़ापे में शादी करना इस तरह है अनपढ़ का अखबार लेना खरीद तो सकता है मगर पढ़ नहीं सकता <laughs> <यार>। <laughs> <बिटे में> <laughs> ये गुलजार चांडियों की जो किताब है इसके राइटर का पता करना पड़ेगा कि कौन है कौन लिख के दे रहा है इनको ऐसी, ऐसी। अब वो गुलजार चांडियो लिख रहा है मैं नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ मैं खाली उनका मैसेज पहुंचा रहा हूँ मैसेंजर है यार ये ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वैसे वाकई कोई गुलजार चांडियो जो है ना उनका पता लगाना पड़ेगा अब देखे ना जितनी भी लड़कियां होती ना वो सिर्फ एक गलती मानती हैं वो है कि शोहर से शादी करने की <laughs>